भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। पिछले दिनों भी वह सोशल मीडिया पर अपने फोटो को लेकर चर्चा में थी। बताया जा रहा था कि यह फोटो उनके शादी के बैचलर पार्टी का है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, यह उन्होंने बता दी है। अब एक बार फिर अक्षरा सिंह सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी अपकमिंग फिल्म चलो रे डोली उठाओ कहार है, जिसमें वह अपने रियल लाइफ पिता के साथ फिल्म में नजर आने वाली है। लाखों के दिलों पर राज करने वाले अक्षरा सिंह की पहचान अपने दम पर फिल्मों और गानों में सुपरहिट बनाने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि एक बार फिर से अक्षरा सिंह महिला सशक्तिकरण से मिलती जुलती एक नई फिल्म लेकर आ रही है, जिसका नाम चलो रे डोली उठाओ कहार है। अक्षरा सिंह की इस फिल्म का टाइटल आपने भले ही हिंदी गाने में सुना होगा, लेकिन इस नाम से आने वाली फिल्म में अक्षरा सिंह लीड अभिनेत्री के रूप में दिखाई देने वाली हैं, जिसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। इस फिल्म का निर्माण इमेज आर्ट्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया जा रहा है। इस फिल्म का निर्माता अनिल कुमार यादव और मुकुंद तिवारी है। फिल्म के निर्देशक रंजीत चंद्रा है। फिल्म को लेकर अक्षरा सिंह का कहना है कि चलो रे डोली कहार एक अनोखी कहानी वाली फिल्म है, जिसे दर्शक खूब पसंद करने वाले हैं। अपनी फिल्मों को लेकर अक्षरा ने कहा कि फिल्म के किरदार का प्लॉटिंग मुझे बेहद पसंद आया। इस फिल्म में मेरे लिए करने के लिए बहुत कुछ है। कहानी सुनकर मुझे लगा कि इससे बेहतर कहानी कोई और नहीं हो सकती, इसलिए मैंने इस फिल्म को साइन किया। अक्षरा सिंह की इस फिल्म में उनके साथ इंद्रजीत सिंह, बिपिन सिंह, अवधेश मिश्रा, के गोस्वामी और नंद किशोर मेहता लीड रोल में हैं। बताया जा रहा है कि यह फिल्म सामाजिक और पारिवारिक मनोरंजन वाली फिल्म है। फिल्म के लेखक निर्देशक रंजीत चंद्रा ने बताया कि फिल्म के सभी गाने बेहद सुरीले और कहानी के अनुसार शानदार हैं।